हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आपके अपने चैनल राहुल रियल व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी के सामने अपने सामान्य ज्ञान के कड़ी में आज आप सभी को सामने हमारे शरीर के होने वाले अंग और उनसे प्रभावित होने वाले अंगों के बारे में आप सभी को बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा टाइम को ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ मैंने 20 शारीरिक रोगों के नाम लिख रखे हुए हैं व उनसे प्रभावित होने वाले अंगों के नाम लिख दिया है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को पढ़ के बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, पहला है हमारा शारीरिक रोग पीलिया। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है पीलिया एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारे शरीर में नाखून और आँख के पास पीले पीले से हो जाता है, सब कुछ का कलर येलो येलो और स्किन का भी कलर येलो हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यह कलर कहाँ पे हमें ज़्यादा इफेक्टिव करता है प्रभावित, तो ये हमारे यकृत को प्रभावित करता है। दूसरा है फ्रेंड्स पायरिया। पायरिया भी फ्रेंड्स एक अमूमन होने वाली बीमारी है जो कि हमारे शरीर में दांत और मसूड़ों को प्रभावित करती है। तीसरा है फ्रेंड मधुमेह। मधुमेह को फ्रेंड्स हम डायबिटीज नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, ये आजकल बहुत ही कंपलसरी बीमारी हो गई है, ये अधिकतर हमारे ह्यूमन बॉडी को इफेक्टिव करती है। तो फ्रेंड, ये हमारे सबसे ज़्यादा कहाँ किस पार्ट को अफेक्टिव करती है, तो फ्रेंड ये हमारी पैंक्रियाज को ज़्यादा इफेक्टिव करती है। फ्रेंड चलिए, चौथी बीमारी है हमारी टाइफाइड। तो फ्रेंड, टाइफाइड एक ऐसी बुखार होता है फ्रेंड, तो ये हमारे सबसे ज़्यादा किसे प्रभावित करता है, ये हमारे सबसे ज़्यादा आंतों को प्रभावित करता है। फ्रेंड पचवा है स्कर्वी। स्कर्वी से फ्रेंड वह रोग है जो हमारे मसूड़ों को ज़्यादा प्रभावित करता है। छठवा नंबर है सर डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है हमारे गले को इफेक्टिव करता है। फ्रेंड सतवा है रिकेटस। रिकेटस फ्रेंड हमारे शरीर की सभी जगह की हड्डियों को ज़्यादातर कमज़ोर बना देता है। फ्रेंड आठवा है निमोनिया। फ्रेंड निमोनिया जो है ये अधिकतर बच्चों को ज़्यादा पकड़ता है, छोटे बच्चों को। फ्रेंड ये सब ज़्यादा कहाँ के शरीर के अंग को प्रभावित करता है, तो ये हमारे फेफड़ों को ज़्यादा प्रभावित करता है। फ्रेंड मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, निमोनिया बड़े लोगों को भी हो जाया करता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बच्चों को ही हो, तो फ्रेंड ये किसी को भी हो सकता है। फ्रेंड नौवा नंबर है ग्वाइटर। फ्रेंड अब आप सभी लोग यह सोच के थोड़ा मतलब परेशान होंगे, ग्वाटर कौन सा रोग होता है। तो फ्रेंड ग्वाटर रोग जिसे हम घेंगा के नाम से भी जानते हैं, जो ज़्यादा प्रसिद्ध है। फ्रेंड घेंगा जो बीमारी होती है वो आयोडीन की कमी से होती है, जिसकी पूर्ति फ्रेंड हम नमक के साथ आयोडीन वाले नमक को यूज़ करते हैं, तो ये हमें प्रभावित करती। और फ्रेंड ये सबसे ज़्यादा अफेक्टिव थायराइड, जो कि हमारे गले के पास की ये ग्रंथि होती है, ये थायराइड ग्रंथि को घेंगा नामक रोग ज़्यादा प्रभावित करता है। फ्रेंड दसवां नंबर फ्रेंड ये गठिया रोग है, जो हमारे शरीर के जोड़ वाले स्थानों को ज़्यादा प्रभावित करती है। फ्रेंड खास करके गठिया रोग जो है वो हमारी गांठ यानी कि गांठ के पास होती है कोहनी, और जो पैर के फ्रेंड गांठ होती है उस पर ज़्यादा इफेक्टिव करती है। तो फ्रेंड चलिए, हम 11वें नंबर के रोग के बारे में आप सभी को बता रहे हैं। सर फ्रेंड 11वां नंबर का जो हमारा शारीरिक रोग है वो एक्जिमा है। फ्रेंड एक्जिमा जो रोग होता है वो हमारे शरीर की स्किन यानी त्वचा को ज़्यादा इफेक्टिव करता है। फ्रेंड 12वें नंबर का है ट्रिकोमा। ट्रिकोमा फ्रेंड ज़्यादातर इफेक्टिव आँख को करता है। फ्रेंड 13वां नंबर ये मोतियाबिंद। फ्रेंड की अमूमन आजकल बीमारी मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर रही है लोगों को। तो फ्रेंड ये मोतियाबिंद को शायद सभी लोग जानते होंगे, ये आँखों में होते हैं जो, और ख़ास करके ये फ्रेंड वृद्ध लोगों में ज़्यादा होता है, पर अब तो कोई मतलब इसका फैक्ट नहीं है कि वृद्धों में ही हो, ये किसी को भी हो जाया करता है। फ्रेंड अब तो छोटे छोटे बच्चों को भी मोतियाबिंद होने लगा है, मैंने सुना हुआ है। अगर आप सभी को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फ्रेंड 14वां नंबर रेबीज। रेबीज फ्रेंड क्या होता है, ये हमारे शरीर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को
इफेक्टिव करता है। और फ्रेंड रेबीज जो एक टीका भी होता है वो कभी जब हमें कुत्ता काट लेता है या फिर बंदर काट लेता है तब रेबीज का टीका लगाया जाता है। फ्रेंड 15वां नंबर का रोग है फाइलेरिया। फाइलेरिया फ्रेंड जिसे हम लसका फाइलेरिया रोग जो है फ्रेंड ये लसका वाहिनी को ज़्यादा इफेक्टिव करता है। 16वां नंबर है फ्रेंड टिटनेस। टिटनेस जो रोग होता है जब कभी हमें कोई जिसमें लोहे में जंग वगैरह पुराना लोहा रहता है उसमें जंग लग जाता है उससे ज़्यादा हुआ करता है लग जाने से। और भी बहुत सारे रीजन है टिटनेस हो जाने, कोई ज़रूरी नहीं है पर फैक्ट तो अधिकतर मैंने सुना हुआ है कि ये लोहे जो मूर्छे लगे हुए कीली वगैरह में रहते हैं किसको या फिर कोई भी ऐसा आयरन जिसमें मूर्छा लगा हो वो होता है। और फ्रेंड ये सब ज़्यादा अगर टिटनेस हो जाता है तो सबसे ज़्यादा फ्रेंड ये हमारे मेरु रज्जु को प्रभावित करता है। अब 17वां नंबर का फ्रेंड खसरा। खसरा फ्रेंड जो रोग होता है वो हमारी त्वचा को ज़्यादा इफेक्टिव करता है। 18वें नंबर का है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस फ्रेंड हमारे यकृत यानी लीवर को ज़्यादा इफेक्टिव करता है। 19वें नंबर एड्स। एड्स जो होते हैं फ्रेंड ये शरीर की संपूर्ण प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि बॉडी के जो एंटीजन है उसे पूरी तरीके से वेस्ट कर देता है, नष्ट कर देता है, जिससे हमारे शरीर में और सारे रोगों से लड़ने की क्षमता पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो एड्स भी बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और फ्रेंड एड्स का जो वायरस होता है वह इसका अभी तक कोई मतलब आज तक कोई ट्रीटमेंट नहीं बन पाया है इसको। फ्रेंड हाँ रोका जा सकता है पर पूरी तरीके से नहीं। और फ्रेंड 20वां नंबर है अस्थमा। अस्थमा फ्रेंड ये हमारे फेफड़े को इफेक्टिव करता है। फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आप सभी को बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। फ्रेंड्स अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।